जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2024 को लेकर के खबर आई है दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की खबर है साथियों। शिक्षा विभाग ने यह नोटिस जारी किया है जिसमें खाली पदों की संख्या बताई जा रही है कि इतने पदों पर यह भर्ती होने वाली है। बिल्कुल साथियों, स्कूल पियोन यानी कि स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो होते हैं उनके बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं। सभी स्कूलों में बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं जिसको लेकर के विभाग ने नोटिस जारी किया है कि इतने पदों पर हम भर्ती करने वाले हैं। तो तमाम जो भी बातें हैं वो हम करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है शिक्षा विभाग की ओर से उसमें पदों का विवरण दिया गया है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, एकदम सही प्रकार से हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करें। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी सारी जानकारी को देख लेते हैं। राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती 2024 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है। स्कूल पियोन भर्ती, पदों की संख्या 22,368 बताई जा रही है। शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है साथियों, बिल्कुल 22,368 पद खाली चल रहे हैं राजस्थान की सरकारी स्कूलों में। बिल्कुल साथियों, पियोन के पद खाली चल रहे हैं, वहां पर चपरासी कोई भी नहीं है, कोई घंटी बजाने वाला नहीं है, पेड़ पौधों की देखरेख करने वाला नहीं है। और जो चपरासी का काम होता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो काम होता है साथियों, वो यही होता है, जैसे भाई पौधों में पानी वाणी डाल देना, घंटी बैल बजा देना, ठीक है। लेकिन आजकल ये काम तो सब बच्चे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घंटी वंटी भी बच्चे ही बजा लेते हैं, पौधों में पानी भी बच्चे डाल लेते हैं। तो फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम क्या रहता है साहब? उनका काम तो स्कूल में कागज पत्रों का ही रहता है ज्यादातर, ठीक है। जो गुरुजन होते हैं, जो हेडमास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनके पास बहुत सारा काम रहता है तो वो उनको वो काम दे देते हैं, वो उसी काम के लगे रहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्सों के जो भी बहुत सारे काम होते हैं वो उनको दे देते हैं, ऐसे करवाना है, ये करना है, ये करना है, वो उसमें लगे रहते हैं साथियों। और जैसे कोई फंक्शन वगैरह होते हैं स्कूलों में, कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें भी वो सारा का सारा मैनेजमेंट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को संभलवाया जाता है कि आपको ये करवाना है, ये साफ सफाई करवानी है, ठीक है, पौधों की छगाई कटाई ये करवानी है, बाग बगीचा है तो उसमें फूल वूल जो भी लगाने हैं उनकी देखरेख करनी है, ये सारा का सारा काम उन्हीं के अंडर में आता है साथियों। तो बहुत अच्छी खासी जॉब है, इसकी पूरी जानकारी समझते हैं, ठीक है। क्या क्या खबर आई है वो भी हम देखते हैं। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है साहब। देखो महिला पुरुष दोनों इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान की भर्ती है, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है भाई। तुम सोचो कि साहब फार्म ही चालू होगा के फार्म भर दें के नोटिफिकेशन आगो के ना, भर्ती का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, ये तो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है जो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने किया है कि भाई हमारे यहाँ इतने पद खाली चल रहे हैं। यानी सीधी बात करा तो खाली पदों को ब्योरो दियो विभाग अपन कि भाई इतना ये खाली पद पड़े हुए हैं हमारे पास, तो भाई लगाओ कर्मचारी, तो सरकार अब इस पर कर्मचारी लगाएगी, ठीक है साहब। बिल्कुल जी, नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है अभी, जैसे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा हम आपको सूचना दे देंगे साहब, ठीक है। आगे बात करें एज वगैरह, तो देखो राजस्थान की भर्तियों में 18 से 40 साल सब में रहती है ज्यादातर, तो 18 से 40 अपने मान के ही चलो, इतनी तो एज रहेगी ही रहेगी। और ये जो नोटिस वगैरह है, ये नोटिस आपको कहां पर मिलेगा? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी भर्तियों से संबंधित खबरें होती है, नोटिफिकेशन होती है, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाए भाई, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। तो टेलीग्राम से सारा जुड़ जाओ, थाना प्रूफ वगैरह, नोटिफिकेशन, खबर वगैरह जो भी है सारी की सारी टेलीग्राम पर ही डाल देगा, उड़े मिल जाएंगी, आराम से देख लो, ठीक साहब। अच्छा जी, आगे बात करें, स्कूल पियोन पद हैं 22,368, योग्यता 8वीं 10वीं पास, वेतन 5200 से 20,200, यानी कि 8वीं पास भी मांग सकते हैं, 10वीं पास भी मांग सकते हैं। अब देखो ये जो भर्ती है, ये 32 साल हो गए हैं इस भर्ती को, 1992 में हुई थी, उसके बाद में ये भर्ती नहीं आई है साहब। तो 1992 में जब ये भर्ती हुई थी तो उस समय 5वीं पास योग्यता मांगी गई थी और इंटरव्यू से ये
सिलेक्शन हुआ था साथियों, एग्जाम इसमें हुआ ही नहीं था। और 1992 में जब आई थी तो 32 साल हो गए इस भर्ती को आए हुए, समझ रहे हो। तो अब 32 साल बाद जब यह भर्ती आएगी तो बदलाव तो होगा ही भाई, सीधी बात है। एक तो बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है भाई, आदमी पहले तो इतना जोर नहीं देता था नौकरी पर, बहुत कम लोग देते थे। और उस समय इतना होता था कि कोई 5वीं 8वीं पास था वो भी लग जाता था, लेकिन आज कंडीशन ये हो गई है दोस्तों कि आज हम डिग्री भी कर लेते हैं तो भी जॉब की अपने को ऐसे रहता है कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेहनत भयानक कर रहे हैं उसके बावजूद भी हम पीछे धकेले जा रहे हैं, तो ये बहुत सारा मैनेजमेंट जो है हमारा बिगड़ता जा रहा है। इस वजह से अब इसमें योग्यता भी बढ़ाई जा सकती है। आपको पता है सेना में पहले 170 सेंटीमीटर का होता था, उसको आराम से ले लिया जाता था, और वो भी अगर 1-2 इंच कम भी है तो भी चला दिया जाता था, कोई बात नहीं साहब। लेकिन आज कंडीशन ये हो गई है, 4 साल के अग्निवीर में भी 175 हाइट वालों को भी बाहर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बुरी हालात हो रहे हैं। तो 32 साल बाद जब ये भर्ती आएगी तो हम योग्यता 5वीं पास ना मान करके 8वीं 10वीं पास मान के चले भाई, इससे कम तो होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात साहब, पहले तो इंटरव्यू से सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब संभावना बन रही है कि एग्ज़ाम भी हो सकता है, और एग्ज़ाम हो ही सकता है, संभावना फुल है। बाकी कह नहीं सकते क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है साथियों। अब नोटिफिकेशन जारी होगा तब उसमें पूरी बातें लिखी होंगी कि भर्ती में क्या प्रोसेस रहेगी चयन की, समझ गए साहब। बिल्कुल जी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग की खबर की, तो देखो साथियों 1 जुलाई 2024 को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में यह बताया गया था कि हमारे यहां पर कितने पद खाली चल रहे हैं, तो देखो खाली पदों का उन्होंने विवरण दिया है। स्वीकृत पद तो कितने हैं साथियों, 27,972 स्वीकृत हैं ये, तो ठीक है साहब। कार्यरत पद कितने हैं, यानी कि ड्यूटी पर कितने कर्मचारी लगे हुए हैं सरकारी स्कूलों में, 5604, 5604 ही कर्मचारी लगे हुए हैं ड्यूटी पर तैनात हैं जो कि, अच्छा। और बाकी खाली पद कितने हैं, खाली पद 22,368 पद सरकारी स्कूलों में खाली चल रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, तो इन पदों पर भर्ती आएगी साथियों। 22,368 पदों पर जो है राजस्थान में सरकारी स्कूलों में चपरासियों की भर्ती निकलने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा हम आपको सूचना दे देंगे साहब, और सारी प्रक्रिया भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है जी। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये साथियों क्रम संख्या 33 पर लिखा हुआ है, ये जो नोटिस है ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, इस नोटिस में क्रम संख्या 33 पर यह बात लिखी हुई है। और यह नोटिस भी आपको कहां पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सारा का सारा टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम पर जाकर देख लो भाई, थाने नोटिस भी मिल जाएगा, आराम से देख सकोगा, थाने दिखाना हुआ कोई ने दिखा भी दो, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां आती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो फिर मिलूंगा एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।